flight has been landed and we are waiting to open the gates. Still in a queue, there is a huge queue, and it was a great journey that we can say. It was a nice flight. We got a lot of things for eat, and there is a lot of things for the entertainment for the babies as well as for the adults. So bahar ja rahe hain, we are going out, aur bahar jaate hi जो न्यूज़ मिली है हमको यहाँ पे कि रेन इज देयर, दुबई में तो रेन देखने का कोई सीन ही नहीं था, यहाँ पे देयर इज अ रेन एट नाइट। तो इधर जैसे ही पता चला कि बहुत रेन हो रही है बाहर, जब भी फ्लाइट लैंड किया तो इट वाज रेनिंग आउटसाइड। गाइज हम बाहर आ चुके हैं जस्ट आउट फ्रॉम द फ्लाइट, एंड जैसे ही लैंड किया हम बाहर निकले टर्मिनल से, तो वी हैव सीन कि रेन हो रही है यहाँ पे फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव सीन द रेन, बिकॉज दुबई में तो रेन होती नहीं है। बहुत देर से हम वेट कर रहे थे कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर रेन हो जाए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये भी कैमरा में आपको नहीं दिखेगी बट इट्स रेनिंग आउटसाइड। और जो टेम्परेचर है इस्तांबुल का, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 11 और 12, तो ठंडा है माहौल यहाँ पे। बाकी आगे आगे कैसा वेदर होएगा, क्या होएगा, रेन में हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियोस के अंदर कंटिन्यूसली। तो कीप वॉचिंग। अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के ऊपर, इस्तांबुल में लैंड किया, इमिग्रेशन जा रहे हैं, तो देन देखते हैं होटल कैसे पहुँचें। हेलो एंड वेलकम बैक टू द किम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द सेकंड डे इन टर्की। कल रात हम यहाँ पे आए थे एज यूजुअल, एज यू नो आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी ही होगी, तो उसके अंदर हमने ज़्यादा रात को होटल में पहुँच के वीडियो नहीं बनाई। रीज़न बिहाइंड कि हमको बहुत लेट हो गए थे यहाँ पे आने के लिए, और 2:30 के अराउंड हम रात को होटल में चेक इन किया है हमने, और यहाँ पे रेन हो रहा था लिटिल बिट, तो इस चक्कर में रात को हम ज़्यादा टायर्ड भी हो गए थे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे साथ। सो अभी मॉर्निंग रेडी हो गए हम थोड़ा बहुत आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है। ब्रेकफास्ट के बाद में हम यहाँ पे अगेन हमारे रूम में आए हैं, तो मैं आपको एक रूम का सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ जो हमने बुक किया था। आफ्टर दैट वी विल गो आउट, मैं आपको दिखाऊँगा तुर्की के अंदर सिटी के बारे में नियर अबाउट। हम यहाँ पर पूरा सेंट्रल एरिया जो इस्तांबुल का हर्ट है उसके ऊपर हैं, जो हमने रूम बुक किया है। दिस इज़ अ सुल्तान हाउस होटल का नाम है जो, और इट इज़ जस्ट नियर टू द ब्लू मॉस्क जो यहाँ का सबसे फेमस मॉस्क है। आई वुड लाइक टू शो यू, राइट बिहाइंड मी देर इज़ अ ब्लू मॉस्क, 100 मीटर दूर है यहाँ से, जो कि बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है इस्तांबुल की ट्रैवलर्स के लिए, टूरिज्म के लिए। ब्लू मॉस्क हम आपको विजिट करवाएंगे, देखेंगे वहाँ पे जाएंगे क्या होता है क्या नहीं, कैसा है सिनेरियो वहाँ पे अंदर जाके। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट लिटल रूम जो हमने बुक किया था। तो दिस इज़ द एंट्रेंस, यहाँ से हम अंदर आते हैं। ये एक डबल बेडरूम वाला है जो हमने बुक किया था, ये फर्स्ट रूम है जो कि
इसको कोई भी यूज नहीं कर रहा है बिकॉज हम सिर्फ चार लोग ही हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरे दो बच्चे। मेरे फ्रेंड के लिए, राजेश के लिए, वी हैव अनदर रूम। इसके भी रूम का हम आपको टूर करवाएंगे। तो इसका रूम नीचे है बेसमेंट के अंदर, वी आर ऑन थर्ड फ्लोर। तो ये एज यूजर फ्री ही है। और नेक्स्ट जो हम यूज कर रहे हैं रूम, यहाँ पे आता है इसके बाद में। तो दिस इज अनदर विद द किंग साइज ऑफ बेड एंड अनदर एडिशनल बेड फॉर द बेबी मायरा। और यहाँ पे दोनों रूम्स के अंदर कपबोर्ड है, अलमीरा है, ये छोटा फ्रिज है। दिस इज द डाइनिंग टेबल जो अवेलेबल है थोड़ा बहुत बैठ के खाने के लिए। मायरा पूरी एंजॉय कर रही है हमारे कार्टून के अंदर अपने। गुड मॉर्निंग। हेलो। वी जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम यहाँ पे आए हैं और अभी हम तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे इस्तांबुल सिटी के अंदर सिटी टूर करने के लिए बाय वॉक ओनली, बाय फुट टुडे, बिकॉज हम पूरे सेंट्रल एरिया के अंदर ही हैं। तो ज़्यादा पूरी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो हमारे बहुत ही पास है, तो गाड़ी लेके जाने का कोई सेंस बनता नहीं है टुडे। टुमारो वी विल सी टू गो आउट समवेयर। तो उस चक्कर में हम कोई ना कोई गाड़ी बुक करेंगे, कार बुक करेंगे या फिर रेंटे कार करेंगे, देखते हैं कि ऑप्शन अवेलेबल है, देन आपको लेके जाएंगे इस्तांबुल की सैर के ऊपर। रेडी टू गो आउट नाउ। तो हम होटल से बाहर आ गए हैं, जस्ट बिहाइंड ऑफ दिस बिल्डिंग इज द होटल। तो सूरज भी बहुत अच्छा है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है और साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे देखो आप सिनेरियो, रोड यहाँ पे इस तरीके से हैं, कोई भी किधर भी गाड़ी लगा के चला जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं तो साइड देखा नहीं गाड़ी आ रही है। ओके, तो अभी नाउ वी आर लुकिंग फॉर इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट किया था वो बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट हमने किया था, थोड़ा बहुत हमने खाया। तो कोई ना कोई इंडियन रेस्टोरेंट देखते हैं नियर बाय। यहाँ पे एक मैप पे दिखा रहा है, तो वहाँ पे जाके पहुँच के देन हम देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। 6 मिनट का रास्ता पैदल बाय वॉक 6 मिनट्स। तो सीन आपको दिखाता हूँ थोड़ा आगे वाला कैमरा करके। अराउंड 10 मिनट की दूरी के ऊपर हमको मिल गया बॉम्बे मसाला, दैट ब्लैक कलर ऑफ बोर्ड। तो इसके अंदर जाके इंडियन डिशेस का टेस्ट देखते हैं कैसा है यहाँ पे तुर्किश के अंदर, इस्तांबुल के अंदर। मायरा यू रीच्ड, thank you.
अभी हमने खाना खाया जो इंडियन रेस्टोरेंट इधर ढूंढा था वहाँ पे। खाना कैसा था? खाना बहुत अच्छा था, बिकॉज हमने दो दिनों से इंडियन फूड नहीं खाया था, बट आज हमें प्रॉपर इंडियन फूड मिला दो दिनों के बाद, तो बहुत ही अच्छा खाना था। गिव योर कमेंट्स आल्सो ऑन द फूड। इट वाज नाइस। ये हमारा।